बाढ़ पर आमने सामने दिल्ली और हरियाणा। केजरीवाल ने हरियाणा पर लगाया आरोप। तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। तो सीएम खट्टर ने दिया ये जवाब। प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दिल्ली में बाढ़ आने के बाद हर इलाका करीब करीब डूब चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरों को देखकर लोग भी हैरान हैं। बल्कि दिल्ली में जहां जहां बाढ़ आई है वहां लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सब कुछ जलमग्न हो चुका है। लेकिन एक तरफ दिल्ली बाढ़ से ग्रस्त है, लोग परेशान हैं, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भटक रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आई बाढ़ पर सियासत जमकर हो रही है। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बाढ़ के लिए सीधे सीधे हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं सीएम केजरीवाल के इन आरोपों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। इसके साथ साथ सीएम खट्टर ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में जो बारिश हुई है अचानक उसका प्रभाव हरियाणा की नदियों में बड़ा है। यमुना में 1,00,000 क्यूसेक पानी था जो अगले दिन अचानक 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले ही बता दिया गया था कि बैराज में एक सीमित मात्रा में पानी को रोका जा सकता है और सीमित बनने पर पानी को छोड़ा गया। लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम, चाहे यमुना के अंदर जो 1,00,000 क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़े मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1,00,000 क्यूसेक है, 1,00,000 क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है, तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है, जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रुकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज्यादा पता नहीं था। जहाँ एक तरफ दिल्ली में आई बाढ़ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हरियाणा सरकार को ही कसूरवार ठहरा डाला, तो वहीं कांग्रेस ने दिल्ली की बाढ़ को लेकर दिल्ली के सीएम को घेरा है और कहा कि जहाँ पहले से बाढ़ आने का खतरा बना हुआ था तब केजरीवाल सो रहे थे क्या। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।